आइए जी आइए, वेलकम वेलकम, जल्दी तैयार हो। ठीक है भाई, बहुत दिनों बाद आज दयाराम भाई के दर्शन हो रहे हैं। सिलेंडर ला रहे हैं किसी का। लो भाई मेरी तरफ से है। ठीक है, खुश? ठीक है बाकी। चलिए माँ भी हो गए तैयार। जय हो प्रभु, जय हो, आखिरकार हो गए तैयार, धन्य हो प्रभु। चले भाई, आज माँ को पहली बार बाइक पे ले जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे बैठते, भगवान की माया। आज रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि जाना भी जरूरी है। तो बैठे क्या नहीं या खाने? ना ना माथी रोड तो भाई पूरी खराब हो रही थी। माँ तो डर रही थी बार बार, और न जाने कितने देवताओं का नाम निकाल रही थी। हाँ जी, सभी लोग ठीक ठाक होंगे और भगवान की कृपा आपके परिवार पे बनी रही, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज सुबह ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा आजकल। मौसम आप देख सकते हैं, कल परसों दो तीन दिन तक ठीक ठाक धूप थी, आज देखो फिर से बादल महाराजा दिखाई देने लग गए। और यहाँ की बात की जाए तो एक दाएं तो हमने कल लगाई, एक और है आज, यानी कि फाइनल दाएं है, तो इसको भी निपटाना है। इसके बाद मुझे जाना है दिखोली गाँव में, क्योंकि वहाँ बुआ लोगों का पाठ है, तो आजकल वहाँ हवन है तो मुझे बुला रखा है। और एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते तो मुझे जाना पड़ेगा, और ऊपर से एक ब्लॉगर भी हूँ और ज़्यादा जाना पड़ेगा। और बाकी यहाँ की बात करें, हाँ जी हेलो, गुड मॉर्निंग बापे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? आज बापे की आवाज़ पूरी दबी हुई, क्या हो गया बापे? किसी ने पंप बंद कर देते यहाँ से, किसी ने इसके गले की नस दबा दी। अच्छा तो कोई बात नहीं, हो जाता कई कई बार, ऐसा होता है इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कभी कभी डिप्रेशन में रहता है। डिप्रेशन तो भगवान जाने, लेकिन खुश इसलिए होती है क्योंकि ब्लॉग में आ रही है। सुन बापे, चाय बनेगी? अनीता बना रही है। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं बनेगी चाय? अनीता बना रही है, देखो किचन में। भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कैमरे के आगे। हम तो चलिए इसके हाथ पाँव जोड़ता हूँ, वो तो दिखाऊंगा नहीं कैमरे में, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ चाय बनाओ, फिर चाय पीते हुए दिख सकता हूँ भाई बस। बाकी वे सभी लोग अपने अपने पेड़ पे पराल लगा रहे हैं। तो देखिए जी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और इनको देख के तो मुझे बचपन की याद आ रही है भाई, हम भी ऐसे खेलते थे। इस दिल ने किया है निकम्मा, निकम्मा किया है इस दिल ने चाय, धन्यवाद निकम्मा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो चले जैसे तैसे करके चाय मिल गया, और चाय के लिए तो चाय पाँव में पड़ना पड़े, 50 बार पड़ूंगा भाई। तो भाई सभी लोग हल लगाने जा रहे हैं अब। चलिए जी, फाइनली चाय पीने के बाद अब मैं इस दाई को लगाता हूँ, क्योंकि मौसम भी 1 बजे के बाद बारिश दिखा रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको निपटा देते हैं, लास्ट दाई है, उसके बाद माँ जी भी आएगी और मैं भी तैयार होकर थोड़ा दिखोरे जाएंगे हम दोनों। और माँ जी पहली बार बैठेगी भाई मेरे साथ बाइक पे, और डर भी तो लग रहा है भाई, पहली बार क्या होता है क्या नहीं होता है भाई, पता नहीं कैसे बैठते अब। क्यों आंटी? आंटी यहाँ पर पत्नी क्यों उदास हो रही, क्या हो गया? इसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई साहब पिछले 1 घंटे से हम घूम ही रहे हैं इसके ऊपर, हाँ पसीना भी हो रहा है भाई, पर मजा आ रहा है। बाकी माँ जी भी आगे घास लेके। आइए जी आइए, वेलकम वेलकम। तो चलिए जी, फाइनली 2-2.5 घंटे इसके ऊपर घूमने के बाद अब जाके गेहूं का तो आटा बनेगा बनेगा, हमने इसका भी आटा बना दिया है। जल्दी तैयार हो, ठीक है? तो भाई मैंने आज प्याज भी सुखाने डाल दिए हैं, इनको जितना सुखाएंगे उतना ज़्यादा चलते हैं, बाकी बंदरों को खतरा है। तो यहाँ पर शेरू महाराज भी बैठ रखे हैं प्याज के बगल में। तो चले जी, मैं तो नहा के तैयार हो गया हूँ, बाकी माँ तैयार हो रही है, तब तक हम इसको छान रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं छैणी, इससे छानते हैं इसको, अब निकलेगा गेहूँ। दोस्तों काम कर रहा हूँ ना मैं, यार मत बोला करो, नहीं करता हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं। भाई बहुत दिनों बाद आज दयाराम भाई के दर्शन हो रहे हैं। सिलेंडर ला रहे हैं किसी का। दयाराम भाई क्या हाल है? और ठीक है ना? तो देखिए जी, दयाराम भाई सिलेंडर ले जा रहा है, काफी मेहनत भरा काम करता है यार ये, 10 रुपए भी दिन में कमा रहा तो अपनी मेहनत से कमा रहा है, लोग इसके पैसे मारते हैं, यानी कि इससे सारे दिन भर कराएंगे, सारे दिन की दिहाड़ी अगर 400-500 होगी तो इसको 100-150 पकड़ाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं, बुराई का पैसा हमेशा बुराई में जाता है, आप लोग कितना ही बचाओ, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना तो ऊपर वाला आपके साथ सूद ब्याज सहित तो बुरा करेगा। अरे माँ होगी तैयार? होगी, पिछले आधे घंटे से माँ लगी, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई जी। दयाराम भाई सिलेंडर दे के भी आ गए, लेकिन मेरी माँ अभी तैयार नहीं हुई। दयाराम भाई बढ़िया, टन साग ले ले ले, मैं तेरे को दे रहा हूँ मेरी तरफ से है। ठीक है, खुश? ठीक है,
बेचारा बहुत मेहनत करता है, जब भी उसको बोलते ना काम के लिए मना नहीं करता कभी। बाकी चलिए माँ भी हो गए तैयार, जय हो प्रभु, जय हो, आखिरकार हो गए तैयार, धन्य हो प्रभु। चले मैं आज माँ को पहली बार बाइक पे ले जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे बैठते भगवान की माया। आज रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि जाना भी जरूरी है। बैठ है क्या नहीं माथी पक्का हर गए ना मैं हुई। चलो जो भी होगा आज क्या कर सकते हैं, माँ के लिए तो करना ही भैया। तो चलिए जी मैं सड़क पे पहुँच गया हूँ, दयाराम भाई भी सड़क के ऊपर आ गया। एक्चुअली मैं बाइक लेके ऊपर आया ना, तो दयाराम भाई ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत, सब ठीक है ना? चलो ठीक है। तो भाई माँ भी आ रही है हल्के हल्के कदमों से, और माँ को अभी टेंशन है, अभी माँ जी फिर आएगी और फिर मधुली और बिंदु के लिए घास लेने जाएगी। बाकी भाई अपने गाँव का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है सड़क से। चलिए जी फाइनली हम पहुंच गए दिखोली के बस अड्डे के पास, यानी कि जहां तक गाड़ी आती है। रोड तो भाई पूरी खराब हो रखी, माँ तो डर रही थी बार बार और न जाने कितने देवताओं का नाम निकाल रही थी। वहां पे सबसे खराब है रोड, वो जो वहां पे बैंड है वो सबसे खतरनाक है। और यहां से हमें 50 मीटर ऐसी पैदल जाना है और फिर पहुँच जाएंगे हम तामेश्वर देवता जी के मंदिर में, तो वहीं अनुष्ठान चल रहा है, चले ना। बाकी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, धनों को मैंने छाँव पर लगा रखा है। बाकी भाई यहाँ कुछ मकान ऐसे जो पुराने ज़माने के, यानी कि उस जमाने के जब भूकंप आया था तो ऐसी चदर के मकान बनते थे। बाकी दो चार मकान तो सीमेंट के बने हुए, लेकिन ये जो है चदर वाली, ये भूकंप के टाइम बने थे ताकि भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा आ रहे थे इस इलाके में तो बचने के लिए। और जो भूकंप आया था लगभग 1991-92 में आया था, ऐसी बहुत खतरनाक आया था, बहुत सारे लोग मरे भी थे, तो उस टाइम ऐसे मकान बनाए गए थे चदर वाले। तो ये है भगवान तामेश्वर देवता जी का मंदिर, और यहाँ से जाने का इस रास्ता है। और भगवान तामेश्वर देवता जी का मंदिर जो है वो बांज के पेड़ की छाँव में, इतना विशाल का है बांज का पेड़। देखिए जी इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भगवान के ही सहारे जीता है। और ये जो हमारे तामेश्वर देवता जी का मंदिर है, ये जो हमारे 5 गांव गाजड़ा हैं उनमें से प्रमुख मंदिर है, तो काफ़ी भव्य मंदिर भी है। तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। गाजड़ा में जो 5 गांव पड़ते हैं उन सारे गाँव को मिलाकर ये मेन मंदिर है। तो यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है वो मेरी बुआ लोगों का चल रहा है, और उनका पूरा परिवार मिला के इस अनुष्ठान को करवा रहे हैं। तो अभी अंदर पूजा चल रही है, जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद ही सारे गांव वालों को भोजन कराया जाएगा। देखिए जी पहाड़ों में तो महिलाओं को भाई हमेशा परिश्रम करना पड़ता है। भगवान तामेश्वर देवता जी की मैंने एक मुख्य विशेषता सुनी है कि यहाँ अगर आप भैंस के दूध की चाय पी के आ गए तो आपको स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं, या आपने अगर भैंस पर टच कर लिया तो उसके बाद नहा के आना पड़ेगा। यानी कि भगवान तामेश्वर देवता जी का और भैंस का आपस में जो बोलते हैं ना कोसों दूर का नाता है, बहुत लंबी कहानी, कभी संक्षेप में बताऊंगा आपको। कि चलिए अब हवन होना शुरू हो गया है। चलिए जी वहाँ पर हवन कुंड की तैयारी चल रही है, और जो 3 गांव का खाना बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। अभी अभी बुआ जी ने कहा कि 3 गांव का खाना बन रहा है यहाँ पे, यानी कि सोड़, चौनेट गांव और दिखोली। देखिए जी जहाँ पर खाना बन रहा है उसी के बगल में एक पेड़ है, ये सैतूत का पेड़, और ऐसे होते हैं सैतूत और ये काफ़ी मीठे होते हैं। दो चार लगे हुए थे मैंने निकाले। तो चलिए जी सभी लोगों ने हवन कर दिया है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब थोड़ा जो लास्ट में होता है गोदान, तो अभी थोड़ा गोदान हो रहा है, उसके बाद सभी को भोजन मिलेगा।
तो चलिए जी, आज पहली बार जिंदगी में भगवान तामेश्वर देवता जी की पूजा होते हुए भी देखी, यानी कि मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा होती है और आगे आगे जो मुख्य पुजारी होते हैं वो थाली बजा बजा के आगे जाते हैं। तो ये दृश्य मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा। अब लगभग सारे गांव वाले आ गए हैं, तो अब सबको भोजन कराया जाएगा। तो देखिए जी, सभी लोग लाइन वाइज से फील्ड पे बैठ चुके हैं। चलिए जी, फाइनली पूजा भी हो गई, सारा कार्य संपूर्ण हो चुका है। अब बारी है सबको खाना देने की। तो सभी लोग मिलजुल के खाना दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ खा रहे हैं, तो कुछ लोग वहाँ उस फील्ड पे खा रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ खा रहे हैं। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से पैक हो गया। वैसे भी 1 बजे के बाद बारिश दिखा रही थी, तो जल्दी जल्दी ये सारा कार्य निपटा दें। ये देखिए जी, 3-4 गांव वाले मिलके यहाँ खा रहे खाना। अच्छा, तो आप लोग नहीं खा रहे खाना? ऐसा तो नहीं कि भीड़ देखी भूख खत्म है? सही बात है, सही बात। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। देखो भाई, बीच में जो है इस पे फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए जी, पहले लंगर ने तो खाना खा लिया है, बाकी मंदिर में डस्टबिन की सुविधा भी है, तो लगभग डस्टबिन तो फुल भरने वाला है। क्यों, बाकी अभी ऐसे करके 3-4 लंगर और बैठेगी, लेकिन बस मौसम साथ दे दे एक बार। चलिए जी, फाइनली लंगर पे बांटते बांटते अपनी बारी भी आ गई है। बाकी यहाँ पर माँ जी बैठ गए और जीजाजी दीदी सब बैठ रखे हैं। बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे भाई आज, है बहुत ज़्यादा काम किया शायद। बाकी सभी लोग यहाँ बैठ रखे हैं, तो जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर मौसम तो साथ देने वाला नहीं है, इसलिए फिर निकल लेते हैं यहाँ से। फिर चलिए जी, फाइनली सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, बाकी सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं अब। चलिए जी, बुआ जी से अब आज्ञा लेते जाने की। भगवान तामेश्वर देवता की कृपा से सारा कार्य सकुशल निपट गया। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर जाए कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं, नर्वस हो जाते हैं पहाड़ की महिलाएं ना, ऐसा कुछ नहीं। चल ठीक, फिर ध्यान रखिए अपना, चलिए निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए साहब, फाइनली यहाँ से विदाई की बारी आ गई, मौसम ने भी साथ दिया, बाकी अब बारिश होगी तो भगवान जाने, लेकिन जब तक सब खाना खा रहे थे तब तक ठीक था मौसम। और बाकी माँ जी वहाँ सड़क पे मिलेगी मेरे को, यहाँ इस वाली रोड पे माँ को डर लग रहा है, तो माँ जी ने कहा मैं वहाँ तक पैदल जाती हूँ, तो बल वहीं मिलना मेरे को। चले जी, ताऊ और ताई जी उत्तरकाशी जा रहे हैं अभी, वहाँ दादी अकेली, दादी के साथ है छोटा भाई, तो ये आज उत्तरकाशी जा रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है, चले साहब। तो चलिए जी, माँ जी को मैंने छोड़ दिया है, मैं अभी मार्केट जाऊंगा, वहाँ से सब्जी लेके आऊंगा। तो चलिए जी, फाइनली घर आ गया, और मतलब ठीक ठाक मोटा बजट खत्म करके आ गया हूँ, यानी कि जेब धीरे धीरे खाली हो रही है, और आंटी खुश हो रही है ना। अरे ला दिया ला दिया, हाँ थैंक यू, चल ठीक है संभाल संभाल। चलिए जी, आंटी जी ने चाय पिला दी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, गर्मा गर्म चाय। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं रविंद्र भोगना मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव भूमि, बाय बाय।